अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम अ रेलवे कैरेज का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। रीडिंग हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ट्रैम्प मीन। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, बेघर आवारा का मतलब क्या होता है। ट्रैम्प एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि इधर उधर घूमता रहता है आवारा बगैर किसी मकसद के। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे अ पर्सन, एक शख्स, हु वेंडर्स अबाउट, चूँकि इर्द गिर्द घूमता है, जगह जगह घूमता है, आवारा फिरता है, विदाउट के बगैर एनी एम, किसी मकसद के। एक शख्स जो किसी मकसद के बगैर इधर उधर घूमता है, इस कॉल्ड अ ट्रैम्प, वो एक भिखारी, एक बेगर आवारा कहलाता है। ट्रैम्प, बेगर आवारा उसे कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो बगैर किसी मकसद के, किसी मंजिल के इधर उधर आवारा घूमता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज ब्रैम्बल्स मीन। ब्रैम्बल्स का मतलब क्या होता है। ब्रैम्बल्स का मतलब है, हमने पीछे पढ़ा था, खारदार झाड़ियाँ, ऐसी श्रब्स, ऐसी बुशेस जो के जिन पे कांटे हों, खारदार हों वो। तो यहाँ पे हम इनका लिखेंगे आंसर, ब्रैम्बल्स आर अ टाइप ऑफ थॉर्नी बुशेस विद बेरीज। ब्रैम्बल्स का मतलब क्या है कि ब्रैम्बल्स एक झाड़ियों की एक ऐसी किस्म है जिन जो के खारदार होती हैं, कांटों से भरी हुई होती हैं बेरीज के साथ साथ। ये दो क्वेश्चन हमने लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। लर्न प्लस राइट, एक दफ़ा फिर से पढ़ लें, एक दफ़ा सारे ना प्रोनाउंसिएशन एक दफ़ा देख लें। व्हाट डज ट्रैम्प मीन। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। अ पर्सन हु वेंडर्स अबाउट विदाउट एनी एम इज कॉल्ड अ ट्रैम्प। एक ऐसा शख्स जो कि इधर उधर बगैर किसी मकसद के घूमता है, उसे कहते हैं ट्रैम्प, बेगर आवारा। व्हाट डज ब्रैम्बल्स मीन। ब्रैम्बल्स आर अ टाइप ऑफ थॉर्नी बुशेस विद बेरीज। ब्रैम्बल्स जो हैं बेरीज के साथ साथ थॉर्नी बुशेस, खारदार झाड़ियों की एक किस्म होती है, जिसे कहते हैं हम ब्रैम्बल्स। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो लर्न भी करना है और राइट भी।